नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ शहर कोतवाली के ब्रह्मस्थान पुलिस चौकी अंतर्गत क्षेत्र में आधी रात को हड़कंप मच गया, जब चोरों ने तीन दुकानों में ताले तोड़ दिए। चोरों ने शराब और बियर की किराना की दुकानों को निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार तकिया मोहल्ला निवासी प्रेमचंद गुप्ता की किराना की दुकान से चोर 14,000 नगद, एक बोरा दाल, एक बोरा चावल, दो बोरा आटा और एक पेटी सरसों का तेल उड़ा ले गए। इसके अलावा स्टेडियम के पास स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान, जो तेज बहादुर के नाम से आवंटित है, का भी ताला तोड़ दिया। हालांकि शराब की दुकान में चोरी की कोई घटना नहीं घटी। बियर की दुकान, जो किराना की दुकान के पास स्थित है, के भी ताले तोड़े गए, लेकिन यहां पर चोरी नहीं हुई। बियर दुकान के मालिक लालता सिंह ने बताया कि उनके सेल्समैन रात भर दुकान में रहता है, इसलिए चोरी की घटना नहीं हुई। सुबह घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। साथ ही डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी जांच के लिए घटना स्थल पर आई। पीड़ितों ने थाने में तहरीर दे दी है। बियर की दुकान के मालिक ने आरोप लगाया कि पिछले 20 दिनों से 15-16 शराब और बियर की दुकानों में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता के कारण चोरों के हौसले बुलंद है। अब देखना यह है कि पुलिस इस बढ़ती चोरी की समस्या को किस तरह कार्रवाई करती है। क्या नाम है आपका? लालता सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? आज आपकी दुकान का ताला तोड़ा गया, क्या पूरा? हमारे ग्रिल का ताला तोड़ा गया है, दो ताला तोड़ा गया है। हमारा दुकान में रहता है, मेरा कोई क्षति नहीं हुआ है। किस चीज़ की आपकी शॉप है? बियर की शॉप है हमारी, ब्रह्मस्थान पे। कुछ गैप भी हुआ आपकी दुकान? नहीं, हमारे दुकान से कुछ गैप नहीं हुआ है। लगातार ये शराब की दुकानों पे मुझको लग रहा है 14वीं या 15वीं घटना हुई है सर। इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, काफ़ी परेशान है हम सारे अनुजापी। और शराब की दुकानों पे लगातार चोरियाँ हो रही हैं, ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों इतनी बड़ी घटना की जा रही है शराब दुकानों। अधिकारियों से आपने कभी मिला? जी, हम लोग गए हुए थे, जाके कोतवाल साहब से भी मुलाकात हुई थी, एसपी साहब से भी मुलाकात हुई। इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और आए दिन ये चोरियां हो रही हैं। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं इस पर उचित कार्रवाई की जाए, जो वारदात की है वो उनको पकड़ा जाए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।